एक्चुअली क्या है सर, हम ऐसा तो कुछ कह नहीं रहे हैं सर, जो है वास्तविकता वही कह रहे हैं हम, और क्या कह रहे हैं। तो तुम वास्तविकताएं कह रहे हो, वो लोग यहाँ पे जो कंप्लेंट डाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम वो चीजें साइड हो गई, तुम क्या है ये मिनिस्टर हो गई, सरकार को क्यों ब्लेम करते रहते हो किसी चीज के लिए। अरे सर, हम शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, बताइए अगर मैंने तुम अभ्यर्थी तो लेकिन जो तुम जो तुम्हारा जो वीडियो आया है यहाँ पे इसके बिहार पे, पर तुम अभ्यर्थी भी हो ना, तो तुम्हारा बेहतर निरस्त हो जाएगा, पता समझते हो तुम बात को। अरे सर तुम डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर को गाली दे रहे हो। मैं सर ऐसा कभी गाली नहीं दिया हूँ, क्या गाली दिया हूँ। अरे वीडियो आ रहा है कि मैं, अब ये बताइए अगर हम लोग उनके पास फोन कर रहे हैं, यही एडजस्ट जो उनके फेवरेबल अभ्यर्थी हैं, तुम्हें क्या होता है कोई चीज तरीका होता है इस तरीके से, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं और हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मेरे पास कंप्लेन आई थी, मिनिस्टर आम आदमी नहीं होता क्या सर, आप एक ऑनरेबल पद पे सर, आप कुछ नहीं कह दे रहे हैं। बात कोई काम करने का चाहो तक तरीका होता है, समझ रहे हो तुम। जी सर, पर्सनली जाओ मिलो, रिक्वेस्ट करो। अरे सर बहुत बार मिलने की कोशिश, जब हम लोगों से मिलेंगे तब ना, जब जिनको खरीद फरोख्त और उससे टाइम हो तब ना हमसे मिलेंगे सर। अभी मैं तुम्हें इसलिए फोन किया कि कुछ लड़के आए थे तुम्हारे घर से यहाँ कंप्लेंट डालने, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करके समझा, ऐसा तो है नहीं हमारे कोई सीन है या फिर वास्तविकता। अगर मंत्री जी हम लोगों को क्या बुलवा नहीं, जो आपके पास कंप्लेन आए आप मंत्री जी को बताइए कि बच्चे आपके खिलाफ इधर उधर बोल रहे हैं, मंत्री जी बुला सकते हैं, कोई भगवान अलग से नहीं मंत्री जी पैदा हो गए हैं सर, हम आपके पास मान रहे हैं। एरोगेंस होता है, अगर अपने पिताजी पे गुस्सा होता है तो उनसे भी कहता है, लेकिन उनका भी दायित्व बनता है कि अगर हम लोग 10 बार फोन कर रहे हैं तो बैक कॉल करवा सकते हैं, जो प्रश्न सकते हैं समझ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना, तो भाई ऑफिस में इतने सारे लोग, तुम फ्रंट पे क्यों आके काम कर रहे हो, हमारे वीडियो में हर जगह तुम्हारा जो है फ्रंट पे आएंगे सर। अगर हमारा हित प्रभावित हो रहा है, मान लीजिए सब बेवकूफ है, हम नहीं बेवकूफ है, अपने आप को मतलब ये है कि तुम वीडियो क्यों अपने बना के वायरल कर रहे हो। ऐसा कौन सा वीडियो वायरल, मैंने तो बहुत बोला होगा मंत्री जी चोर है, आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं। हाँ यही सारी चीज है ना, तो ठीक नहीं यहाँ पे भाई, जो चोर है जो है उसके लिए सरकार सजा देना चाहती है, आप जेल डालना चाहते हैं, कुछ भी करिए, आप स्वतंत्र है, मुझे भी स्वतंत्र है, संविधान सर हमें राइट्स देते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई गंवार तो है नहीं। हम अपनी बात कहने का तरीका इस समय थोड़ी सी, तुम बात कहने का तरीका है कि अपने घर में घुस के अपना फांसी लगा के लटक जाए, वही इस समय ये तरीका चल रहा है। अभी क्या हुआ, मेरे पास था, मैंने लड़कों को भगा दिया, मैंने कहा सर चलो मैं इसका नंबर ऊपर क्या दे दो मुझे, ठीक है सर। हम कह रहे हैं आपने तो थोड़ा ना फोन किया, आपको पता तो चला कि लोग एक्चुअली क्या है कि जो उनके फेवरेबल लड़के हैं मुझे इनका हित प्रभावित नहीं हो रहा है, अब उनको ये लग रहा है कि अमरेंद्र सिंह खामखा इस मामले को वायरल करेगा। अगर ये बताइए अगर चीजें हमको कौन सी भर्ती में हो, इसमें हो 69,000 में हो, जी 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 69,000 में, तुम्हारा कितना कट ऑफ क्या है तुम्हारी, 66.2 सर। अच्छा जी, तो तुम तो मुझे लग रहा है तुम तो सेलेक्ट हो जाओगे ना इसमें, तो मुझे लगने से क्या होता है सर, लगने से तो 69,000 जब फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें भी हमको होना चाहिए था, लेकिन चीजें तब भी हमको पता थी कि ये लोग आरक्षण को खा रहे हैं। चलो फिर भी थोड़ा सा मतलब फ्रंट पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 8-10 लड़के एक साथ आए थे, मैंने उनको सब बोला, मैंने कहा क्या है ये, ये बिना मतलब में तुम्हारे अगेंस्ट क्या है कि यहाँ पे मुकदमा हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें आखिर ये बताइए सर, ऐसे जीवन का हम करेंगे क्या, मान लीजिए एक मुकदमा, वैसे भी हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर पता नहीं कौन कौन सी आपकी सरकार लगा चुकी है मुकदमा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसे कैंडिडेट हो, नौकरी मिलने वाली कितने परेशान हो रहे हो भाई, नौकरी मिलने वाली है भैया, कहाँ देंगे, नहीं दे पाएंगे सर, ये उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो हमको भी चाहिए कि आसानी से घर बैठे अपने परिवार के साथ रहें, और हमें भी बोलने का कोई वो नहीं है उचित। चलो ठीक, अभी तुम मैंने उनको भी समझा के भेजा, मैं कॉल करके पता नहीं बता दूंगा, छोटी छोटी चीजें नहीं जानी तुम लोगों ने, ठीक है। अभी तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ है, अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान दो कैरियर पे। ओके थैंक यू सर, कम से कम आपने हमें बताया कि इस तरीके की भी चीजें चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।